सो देखते हैं भाई, अगर इस वाली सोसाइटी में मिल जाए कोई फ्लैट खाली। बिना आते थे एक और सीन हो गया, कोई बाइक मैंने खड़ी की तो भाई बाइक को रोकना मेरे को ना बहुत मुश्किल काम हो जाता। चला नहीं सकता भाई, यहाँ पे नीचे खड़ी है पार्किंग में। लेके आ जाएगा बाइक घर को, तो मैं निकल रहा हूँ अभी। सो गाइस आ चुके हैं रेडी। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग ही पार्किंग से हो रही है, क्योंकि मैं और भैया जा रहे हैं अभी। एक्चुअली हम शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से, फ्लैट का पता करना है रेंट पे। सो अभी चलते हैं, सबसे पहले तो जा रहे हैं पंचीर वाली साइड, वहाँ सोसाइटी में पता करते हैं, अगर वहाँ पे कोई मिल जाए सही सा तो वहाँ देखेंगे। सो एक दो का तो पता किया हुआ है, बाकी चल के देखते हैं कोई फ्लैट समझ आता है अपने मतलब का, मिलता है तो एक या दो दिन में शिफ्ट कर लेंगे। फिर हम वहाँ पे एक दो ब्लॉक के बाद ना नई जगह से ब्लॉक स्टार्ट हुआ करेगा। सो चलो गाइस निकालते हैं बाइक को बाहर और चलते हैं अपने लिए आज फ्लैट खोजने। तो मैं निकल चुका हूँ, तो अब जा रहे हैं सबसे पहले पंचीर, वहाँ चल के देखते हैं फ्लैट वगैरह, अगर कोई सही सा समझ आता है कल या परसों में फिर अपना यहाँ का सामान पैक वगैरह करके शिफ्ट कर लेंगे एक दो दिन में। सो हो सकता है नेक्स्ट ब्लॉग आपको भाई न्यू फ्लैट से देखने को मिले। वैसे मेरा आज का प्लान था कि रॉयल एनफील्ड जाके इसकी ब्रेक क्लीन करवानी थी, हॉर्न देख रहे हो अभी तो हॉर्न ठीक है और बीच में ना गड़बड़ कर रहा है। सो आज का मैंने सोच रखा था कि रॉयल एनफील्ड जाके इसका ब्रेक वाला काम ब्रेक क्लीन करवा लेता और हॉर्न वगैरह चेंज करवा लेता और इसकी ना चेन लूप भी करनी। चेन लूप मेरे पास था वो तो खत्म हो गया हुआ है, सो न्यू भी लेना है मेरे को और चेन लूप करवानी भी थी। तो मैंने सोचा था वहीं जाके चेन क्लीन भी करवा लूंगा और चेन लूप भी करवा लूंगा, पर अब भाई थोड़ा फ्लैट का चक्कर पड़ गया तो फ्लैट वगैरह देखना है अभी आज और कल। भाई फ्लैट वगैरह देखते हैं अपने लिए और फिर एक दो दिन में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद भाई चल के रॉयल एनफील्ड ब्रेक्स वगैरह क्लीन करवाते हैं इसकी, थोड़ा बहुत काम करवाना है वो करवाएंगे। 31st मार्च है तो खड़े रहेंगे सभी ना, 31st मार्च आ रही है, पुलिस वाले तो भाई हर जगह ही खड़े हैं, चलान तो काफी हो रहे हैं, गाजियाबाद में भी हर जगह ही हो ही रहे हैं। पर भाई मैं तो देखो हेलमेट और डॉक्यूमेंट्स लेके चलता हूँ साथ हर टाइम, अब बिना हेलमेट वगैरह के चला गया भाई पुलिस वाले तो चलान करेंगे। चलो जेरा सामने पंचिल, बस ये रोड क्रॉस करना है और यहाँ पे चल कर ना फ्लैट का पता करके आते हैं। ब्रेन से पता कर ले एक बार गार्ड से। सभी भैया गए एंट्री करवाने और ये सोसाइटी काफ़ी अच्छी है ना, सो एक बार यहाँ पे पता करने आ रहे हैं। स्टार्टिंग में जब हम गाजियाबाद आए थे उस टाइम पता किया था, पर यहाँ पे उस टाइम पता नहीं खाली नहीं था, पता नहीं क्या हुआ था। सो देखते हैं भैया अगर इस वाली सोसाइटी में मिल जाए कोई फ्लैट खाली, मुझे लगता है ट्राई होगा क्योंकि टॉप फ्लोर के हमें चाहिए नहीं है, हमें सेंटर में मिल जाए फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में मिल जाए, पर वो सारे ना भाई भरे होंगे। सो देखते हैं भैया अगर अपनी किस्मत में होता है तो। क्या बोला है कहाँ जैसे बताया किस साइड चलना वो रहा। वैसे एक बार यहाँ पे शॉप पे की वगैरह फ्लैट की, सो एक बार ना फ्लैट वगैरह देखते हैं और उसका फ्री होकर ना फिर मिलता हूँ आप लोगों से, फिर देखते हैं पसंद आता है तो। वैसे फ्लैट ये है, देखते हैं अभी इसका क्या बनता है। पंचिल तो हम आगे पर अभी ना आते थे, एक और सीन हो गया, तो बाइक मैंने खड़ी की तो उसके ना क्लच वायर मैंने थोड़ी इशू थे कल परसों, तो अभी मैंने ना वो नीचे खड़ी की थी और उसके ना भाई क्लच वाले वायर टूट गए, तो अभी आ रहे से वो फोन कर रहे हैं, अभी बंदा आएगा और फिर नई वायर लगेगी, क्लच वायर लगेगी उसका, मैं यहाँ से निकल पाऊंगा, बाइक चला नहीं सकता भाई यहाँ पे नीचे खड़ी है पार्किंग में। तो वेट करते थे मैं फ्लैट वगैरह देख लेता हूँ, वायर वगैरह चेंज करते हैं और उसका मिलते हैं आपसे। यहाँ से टूट गए, ये देख रहे वायर यहाँ से टूट गई है, यहाँ पे लॉक होता है, लॉक से यहाँ से टूट गई है। अरे क्लच कैसे फ्री हो रखा है बिल्कुल ही, अभी जो मर्जी कर लो वायर इसी टूट रखे ना यहाँ पे, तो क्लच तो बिल्कुल काम ही नहीं करेगा, देखो कैसे हो रखे इस टाइम। फ्लैट देखने आए थे और ये हो गया। सो आर एस वाले बंदे को लगेगा भी एक घंटा आने में, तो मैं जा रहा हूँ वापस, डैडी आ गए हैं फ्लैट से बाहर निकल रहे हैं, बाहर जाके डैडी से चलते हैं घर, क्योंकि मैंने रखा फास्ट तो मैं ज़्यादा रुक नहीं सकता यहाँ पे, टाइम भी हो रहा है। तो भैया यहीं पर है, वो करवा लेगा काम बाइक का क्लच वगैरह का और फिर लेके आ जाएगा बाइक घर को, तो मैं निकल रहा हूँ अभी, डैडी आ रही है और फिर चले जाएंगे। फास्ट रखा है फिर भी भाई यहाँ ना रोड पे पैदल चल रहा हूँ, डैडी आने वाले हैं बस, वहाँ से ऑफिस से निकल गए और फिर घर चले जाऊँगा, तो भैया मेरे को छोड़ने आ रखा है। तो ऐसे आ चुके हैं डैडी, चलते हैं अब घर, रोज़ा खोलने का टाइम हो रखा है तो पहले लेट हो गया हूँ। उसके लिए भी ले लेंगे अगर फैमिली में खड़ा चुका हूँ, ऊपर चल के रोजा होते हैं फिर देखते हैं बाइक का भैया ले आएगा या वरना देखते जैसे होगा। ये तो सही था भाई, रुकी हुई बाइक में क्रश की दिक्कत आई है, कहीं चलते हुए होता ना बाइक रोकने में ना हालत खराब होती। The next morning. So, कल रात को मैं आ गया था, उसके बाद भैया बाइक लेके आ गया था क्योंकि मेरे को जल्दी आना था क्योंकि मेरा रोजे का टाइम हो रहा था। सो अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देख रहे हो क्लच की वायर भैया ने फिलहाल यहाँ पे लटका रखी है, सो इसको तो भी मैं निकाल के बैग लेके आया हूँ, बैग में डाल लूंगा, और ये देख रहे हो न्यू वाली वायर डलगी हुई है, तो बस मैं यही चेक करने आया था अभी कि सही से लगी है कि नहीं, पर यार इन्होंने लॉक वगैरह कहीं नहीं किया, ये सही सेट करनी
पड़ेगी मेरे को, इसको यहाँ पे रखूंगा। सो ये वाली वायर देख रहे हो, यहाँ से कहाँ गया, अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ से टूटी थी ये वायर। ये तो नीचे वाला हिस्सा है, ये देख रहे हो, ये वाला पॉइंट ना यहाँ पे लगता है क्रच के साथ, यहाँ पे इस वाले पॉइंट के साथ यहाँ पे। सो ये ना यहाँ से टूट गई थी, इसकी वजह से ना भाई ये बिल्कुल फ्री हो गया था। एक बार ना इसको ना मैं चला के देखने, मेरे को सही से लगी है, अगर थोड़ा आगे पीछे सेट करने वाली होगी तो मैं वो थोड़ी बहुत मेरे को खुद भी आती है, वरना मैं करवा लूंगा। तो एक बार पार्किंग से बाहर निकालता हूँ, चेक करता हूँ इसको बिल्कुल सही सेट है कि नहीं है। और इसको निकाल के ना ये जो पुरानी वाली जो टूटी है ना भैया ने यहाँ पे रखी, तो इसको निकाल के मैं फिलहाल बैग में रख लेता हूँ, फिर बाद में ना ऊपर रूम में रख दूंगा। सभी मैं बताता हूँ आप लोगों को ये टूटी भी कैसी थी और क्या हुआ था। बस एक बार इसको डाल दूं और पार्किंग से बाइक बाहर निकाल लूं, उसके बाद मिलता हूं आपसे। इस घर से मैं आ गया हूं, अभी मैंने घर से यहां तक चलाई है बाइक, तो हल्का सा जो मेरे को लग रहा है ना अभी क्लच में, क्लच की वायर वगैरह चेंज हुई है ना, तो इसमें ना ऑयलिंग वगैरह करवानी पड़ेगी क्योंकि बहुत ना हार्ड हो रखा है इस टाइम, और ना बिल्कुल ना एंड पे आगे छूट रहा है, तो मेरे को रखना ये सेंटर में यहाँ पे छूटे। तो इसको देखता हूँ अभी वापस जाते टाइम, या मैकेनिक से करवा लूंगा इसको, तो इतना सा काम तो, वरना मेरे को खुद भी एडजस्ट करनी आती है। यहाँ पे बस एक दो नटी है, बस इन्हीं को आगे पीछे करके सेट करनी होती है। तो देखता हूँ मैं खुद ही कर लूंगा, वरना घर पे जाके, क्योंकि बिल्कुल ना एंड पे छूट रही है, पर इसको ना ऑयलिंग करवानी पड़ेगी मेरे को क्योंकि बिल्कुल ना हार्ड हो रखी है इस टाइम। तो यहाँ पे ऑयलिंग वगैरह करवा लूंगा, तो वो भी मैकेनिक के पास करा लूंगा, देखता हूँ साथ में वहीं पे करवा दूंगा इसको भी टाइट वगैरह। तो फिलहाल ना इसको थोड़ा सा ना चला के एक बार बस मैं चेक करने के लिए निकला हूँ अभी ना कि सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो बताता हूँ मैं वायर कैसे टूटी थी। बुलेट को लिए मेरे को ऑलमोस्ट ना एक साल हो चुका है, और ये चल चुकी है 12,000, देखो 12,000 चल चुकी है, 12,000 से ऊपर चल चुकी है बाइक हमारी। तो ना इसकी ना वायर ना चेंज करवानी होती है, कुल्लू मनाली से वापस आया था, उसके बाद से ना जब से यहाँ पे आ रखा हूँ ना, मेरे को लग ही रहा था कि वायर ना टूटने वाली, क्योंकि जैसे क्लच दबाते हैं तो एकदम से दब जाता है, तो बीच में छटका सा ले रहा था क्लच, जो डेली चलाते हैं बाइक में तो फील हो जाता है अगर हल्का सा कुछ इशू आता है। तो मेरे को फील हो ही रहा था दो चार दिन से क्लच की वायर ना टूटने वाली है, पर वही था मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा था शोरूम तक जाने का, क्योंकि मेरे को ब्रेक्स भी क्लीन करवानी थी, तो मैंने सोचा था थोड़ा बारिश वाला मौसम हट जाए उसके बाद चलेंगे, और क्लच का ये वाला काम भी करवा लूंगा, क्योंकि सारे काम करवाने थे मेरे को, क्लच की वायर चेंज करवानी थी, हॉर्न चेंज करवाना था, और ब्रेक साफ करवानी थी। तो मैंने सोचा था कि बारिश वाला मौसम हट जाए उसके बाद चलेंगे, तो सारा काम ना एक साथ हो जाएगा, पर मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी ये वायर टूट जाएगी। कल हम निकले थे मेरे भाई फ्लैट ढूंढने निकले थे, और भाई वहां पे जाकर सोसाइटी में खड़े की बाइक, उसके बाद मैंने बाइक स्टार्ट की, और भाई गियर डालने के लिए क्लच दबाया मैंने, भाई क्लच ने बिल्कुल एकदम से दब गया, मैंने कहा ये क्या हो गया। सो जब मैंने वापस चेक किया तो भाई वायर ना यहाँ से ना टूट गई थी। टाइम टू टाइम ना चेंज करवा तब कोई दिक्कत नहीं होती, बस वही है कि मैंने थोड़ा डिले कर दिया था, तो उस वजह से मेरे को रास्ते में खज्जल होना पड़ा था। डैडी आए थे लेने, मैं तो डैडी के साथ वापस आ गया था घर, क्योंकि मेरे रोजे का टाइम वर्क था, RSA पे फोन कर दिया था, तो उनसे मंगवा ली थी वायर वगैरह, सो वो आ गए थे, उन्होंने भी भाई 1-1.5 घंटा लगाया था आने के लिए, फिर तब तक भैया वहीं था लगवा के, फिर लेके आ गया था घर पे, रात को खड़ी कर दी थी। फिर मैंने सोचा था एक बार ना मैं खुद जाकर ना टेस्ट ड्राइव लूंगा, सही से लगी है और कोई मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरा क्लच ना मैंने यहाँ पे रखा था कि सेंटर में आके छूटे, तो ना ये ना अभी कुछ दिन से ना बिल्कुल पीछे हो रखा था, बिल्कुल स्टार्टिंग में छूट रहा था, मैंने बताया भी होगा ब्लॉग में। सो मेरे को फील तो वैसे वही रखा था कि टूटने वाली है वायर, मैं सोच रहा था थोड़ा टाइम निकाल दे बारिश वाला मौसम ये निकाल दे, तो उसके बाद मेरे को रॉयल एनफील्ड जाना ही है, सो उसके बाद जाकर ना मैं इसको चेक करवा लूंगा, और जो काम है क्लच का, हॉर्न का, और जो ब्रेक्स क्लीन करवा लें सारा ना एक साथ करवा लूंगा, क्योंकि ब्रेक साफ करवा लूंगा, पर अभी बारिश वाला जैसे बारिश हो जा रही है ना, ना ब्रेक में ना पानी फिर से चल जाएगा भाई, फिर से आवाज आने स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए मैंने सोच रखा था कि एक बार बारिश वाला मौसम जाए जाके सारा काम अपना एक साथ करवा लूंगा। तो चलो कोई ना, हो गई वायर वगैरह चेंज हो गई अपनी, ये तो सही था भाई, RSA पे कॉल कर दी थी हमने, वहां से फिर बंदा अरेंज करवा के उन्होंने भेज दिया था, वायर वगैरह मंगवा ली थी उन्होंने चेंज कर दी थी, और 2 मिनट में चेंज हो जाती है, इसका कोई इतना कोई टाइम लगता नहीं है, बस वही था बंदे को आने को टाइम लग गया था। अब मैं सोच रहा हूँ एक क्लच की वायर, एक ना एक्सीलेटर की वायर लेकिन एक्स्ट्रा ना अपने पास रख लूंगा। एक तो क्लच की वायर देखो जैसे भी टूटी, अगर मेरे पास वायर होती मैं जैसे तैसे जोड़ लेता, काम चलाने लायक कर लेता, इतना वेट नहीं करना पड़ता। लॉन्ग लॉन्ग राइड भी होती है मेरी, अगर रास्ते में ऐसे कहीं खराब हो टूटे, और कहीं मैकेनिक के पास भी ना हो, और कहीं रास्ते में ऐसी जगह होंगी मैकेनिक दूर हो, तो भाई वायर वगैरह मेरे पास होगी ना, तो खुद भी नहीं मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ही लूंगा, कि चलने लायक काम चलाने लायक तो मैं कर ही दूंगा। अभी तो डलवा दी है, 2-4 दिन में जाऊंगा मैं रॉयल एनफील्ड इसकी ब्रेक्स क्लीन करवाने, तो उसी दिन जाके हॉर्न भी चेंज करवा लूंगा, और एक एक्सीलेटर की वायर और एक ना क्लच की वायर ये लेके ना अपने पास एक्स्ट्रा रख लूंगा, क्योंकि काम आएंगी आएंगी। मैं वापस फिर से घर ही जा रहा हूँ, भैया गया था मार्केट वाली साइड, तो वो भी आ रहा है, इसको रास्ते से पिक कर लूंगा, मैंने उससे कहा था मेरे को यहाँ मिल जा। सही है वैसे, बस एक बार ना इसकी ऑयलिंग करवानी पड़ेगी मेरे को, ऑयलिंग करवानी है, और बस हल्का सा ना इसको पीछे करवाना है, क्योंकि बिल्कुल एंड पे छूट रहा है, बस इसको हल्का सा पीछे करवाना है, बस ये काम करवाना है। तो देखते हैं जब ब्रेक्स क्लीन करवाने जाऊंगा तभी करवा लूंगा, या आज अगर मैं इसको ऑयलिंग वगैरह करवा लूंगा, देखता हूँ जैसे भी रहेगा। ये तो भाई बहुत सही किस्मत थी कि बाइक ना खड़ी थी और खड़ी में टूटी है वायर, खड़ी जैसे मैंने वहां पे खड़ी की चलाने के लिए फंस गया डालने लगा भाई, उस टाइम ना वायर टूट गई थी ना भाई, क्लच ने बिल्कुल फ्री हो गया था, तो भाई वो तो सही था कि बाइक ने रोक रखी थी और उस टाइम टूटी। अगर बाई चांस ना ये वायर चलते हुए टूटती ना, तो भाई बाइक को रोकना मेरे को ना बहुत मुश्किल काम हो जाता, रोक तो लेता अगर बाई चांस एकदम से रोकनी पड़ती जाए कुछ आया था, भाई बाइक नहीं रुकती बिना क्लच के। ये बहुत सही रहा कि बाइक मैंने रोक रखी थी और तब हुआ। अगर आप लोगों को भी ना कभी क्लच में ऐसे फील होता ना कि वायर टूटने वाली है, क्योंकि चलाते टाइम ना पता चल जाता है कि क्लच के वायर में जोर पड़ रहा है और वो ना टूटने वाली है, फील हो ही जाता है। तो मेरे को 4-5 दिन से हो रखा था, मैं वही सोच रहा था कि बारिश के बाद चलेंगे तो सारा काम एक साथ करवा लेंगे, पर वही गलती मत आप लोग मत करना है गलती, क्योंकि ये ना काफी रिस्की भी हो सकता है।
लगता है। सो एक बार बस यहाँ पे रुकता हूँ, भैया को आने देता हूँ और भैया का वेट करते हैं और फिर निकलते हैं वापस घर। सो आज तो बस इसके बाद मेरे को टेस्ट ही करना था कि सही से वायर वगैरह जुड़ी है कि नहीं, इसीलिए निकला था। फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को करता है यहीं पे एंड। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं भी भैया का वेट करता हूँ, बस वो भी आने वाला ही है और फिर निकलते हैं वापस घर।